हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 28 है, जो मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए किस में मिलता है? तो वह है दोस्तों भाग चार में। ओके, और ये जो है भाग चार के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख मिला है। ठीक है, और ये जो संकल्पना है किससे ली गई है, कौन से संविधान से ली गई है? वो ली गई है आयरलैंड से। ठीक है, उसमें मोटिवेटेड है ये क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होनी चाहिए? बताइए, तो वह होती है 35 वर्ष। ओके दोस्तों, 35 वर्ष होती है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त जो मतदान होता है, गुप्त मतदान उसके द्वारा होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है डाउन्स। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है पेरीज। ठीक है, ये जो होता है ये उत्तरी अमेरिका और कहाँ पे स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है, याद रखेगा। और ये जो स्टेपीज है, स्टेपी, ठीक है, ये जो है यूरेशिया में है, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, घास के मैदान ये सारे। और यहाँ पे है नेक्स्ट लानोस। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है वेनेजुएला में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। और जो ये पेरी है, ये विश्व में गेहूं की सर्वाधिक खेती होती है यहाँ पे। ठीक है, पेरी नामक घास के मैदान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर है यह स्थित? तो यह है ग्रेट निकोबार में। ओके, और ये जो इंदिरा पॉइंट है, भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े यानी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। ठीक है, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है और एक प्रकाश स्तंभ स्थित है। ठीक है, और प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बताइए किसके द्वारा रचित है? तो वह की थी विश्वामित्र ने। ओके, और ये जो विश्वामित्र थे, ये वैदिक काल के विख्यात हैं, ऋषि हैं, और विश्वामित्र जो हैं बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ये जो थे ऋषि धर्म ग्रहण करने से पूर्व, वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? बताइए कौन था वह सुल्तान? तो वह था बलबन। ठीक है, और जो इनका कार्यकाल था वो था 1266 से लेकर 1286 तक। ठीक है, 1266 से लेकर 1286 तक। और ये जो था, इन्होंने पारसी नववर्ष के आरंभ में जो बनाया जाता है उत्सव नोरोज, ठीक है, उसकी शुरुआत की थी भारत में। और सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा और पाबोस ये वाली प्रथाएं शुरू की थी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? बताइए कौन से होते हैं? तो वह होता है बोरॉन, मैग्नीज, निकेल, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन विषाणु जनित बीमारी है, बताइए कौन सी है वह है? तो वह है इन्फ्लुएंजा, चेचक, हाइड्रोफोबिया, यानी उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन किस विज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बताइए कौन सी कहलाती है वह शाखा? तो वह होती है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और ये जो है निर्विज्ञान और पुरातत्व की एक शाखा है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनकर थ्योरी का संबंध किससे है, बताइए किससे रिलेटेड है? तो वह रिलेटेड है काल प्रभावन से, ठीक है। और ये जो क्लिनकर थ्योरी है यानी क्लिनकर सिद्धांत, ये चयापचय द्वारा उत्पादित जो रसायन सामान्य कोशिकाओं में जमा होते हैं, ठीक है, और शरीर के अंगों जैसे मांसपेशियों, हृदय, नसों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेदांग कितने हैं, कितने होती है इनकी संख्या, बताइए? तो वह होती है 6, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, बताइए किसे कहा जाता है? तो वह कहलाते हैं दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो संस्थापक भी कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और जो आर्य समाज था, एक हिंदू सुधार आंदोलन था, इनके बचपन का नाम था मूलशंकर, और जो इनके गुरु थे वो थे स्वामी विराजानंद, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है, वह थी सत्यार्थ, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने इसी उपलक्ष्य में पुस्तक लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बाबर नामा की रचना किसने की थी, बताइए किसने की थी? तो वह की थी बाबर ने, ठीक है। और ये जो थे, इन्होंने मुगल वंश की जो थी स्थापना की थी, संस्थापक माने जाते हैं। और भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। और जो बाबर है उन्हें कुरान ख्वा, ठीक है, कुरान ख्वा और कलंदर के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है इन्हें, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो पहला पानीपत का युद्ध था वो हुआ था 1526 में, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें जो थी बाबर की जीत हुई थी और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी इसके बाद, ठीक है, याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट वाले द्वितीय युद्ध था वो हुआ था 1556 में, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू यानी विक्रमादित्य के बीच में, और उसमें विक्रमादित्य की हार हुई थी। थर्ड हुआ था दोस्तों 1761 में, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? वह हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में, उसमें मराठाओं की हार हुई थी। ये सारे तीनों युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, बताइए कितने हैं हमारे मौलिक अधिकार? तो वह है दोस्तों 6, ठीक है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाते हैं, कहा जाता है उन्हें मैग्ना कार्टा। और ये जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक में। और जो हमारे मूल अधिकार हैं वो 6 हैं, कौन कौन से हैं? एक फर्स्ट है समानता का अधिकार, वह दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, वह दिया गया है 19 से लेकर 22 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, वह दिया गया है 23 से लेकर 24 अनुच्छेद में। फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वह दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। और
फिफ्थ है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, वह दिया गया अनुच्छेद 29 व 30 में। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 32 में। याद रखिएगा दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है, बताइए कौन सी नदी है वह है? तो वह है दोस्तों झेलम, ठीक है। और ये जो है उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है और वितस्ता झेलम नदी का वास्तविक नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है, बताइए किसके मध्य है? तो वह है दोस्तों फ्रांस और स्पेन के। और ये जो पिरेनीज पर्वत है, पिरेनी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, यह इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करती है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाते हैं? तो वह मनाया जाता है 28 फरवरी को, ओके दोस्तों 28 फरवरी को मनाते हैं। और ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हर साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए किसने की है इसकी रचना? तो वह दोस्तों इसने सप्रू, ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए कितने वर्ष का होता है? तो वह होता है दोस्तों 5 वर्ष का, ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला बताना है? तो वह होता है दोस्तों N2O, ठीक है। और ये जो नाइट्रेट ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लाफिंग गैस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।